आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राजकुमार सैनी साहब, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं लोकसभा कुरुक्षेत्र कॉन्स्टिट्यूएंसी से, और हमारे साथ हैं मिस्टर सुनील कुमार गुप्ता, हु इज़ द एक्सपर्ट ऑफ बिग बिजनेस आइडियाज़। सैनी साहब, आपसे हम ज़रूर जानना चाहेंगे, क्योंकि आप खुद भी इंडस्ट्रीज़ के दौर से गुजरे हैं, व्यवसाय के दौर से गुजरे हैं, मैन्युफैक्चरिंग के दौर से गुजरे हैं, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आज के समय में अगर आप देखते हैं इंडस्ट्री के इस फ्यूचर को, तो कैसे देखते हैं? क्या कुछ और है जो आने वाला है? सुहाना आसमान दिखता है आपको, या फिर कुछ और चुनौतियां हैं जो नजर आती हैं? देखिए, जब मैं खेत में किसान के तौर पे काम करता था, अगर मेरे रात को मोटर के ऊपर पटा टूट के एक फुट छोटा भी हो गया, तो मैंने तारों का रिंग बना करके पटे की उसकी कमी को पूरा करके रात को बिजली खराब नहीं होने दी। जो आज इंडस्ट्री में चलाता हूँ, वो मैक्सिमम 50 करोड़ रुपए की उसके ऊपर बैंकों से उसके इन्वेस्टमेंट है जी। और उसके अलावा अगर मेरे अकॉर्डिंगली दूसरी इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग हैं जो 500 करोड़ रुपए के लोन लेकर के बैठे हुए हैं जी। जो मोदी जी का स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया का जो विजन है, जब तक हम पैर कंपैरेटिवली सभी को आगे बढ़ने का बराबर चांस नहीं देंगे जी। मुझे लगता है हम अपने देश की इंडस्ट्री को खो बैठेंगे और सारे रोजगार हमारे हाथ से छीन जाएंगे जी। ये एक आदमी का अपना विजन है कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट से मैक्सिमम प्रोडक्शन और क्वालिटी गुड का प्रोडक्शन जो आदमी इस देश के अंदर लाएगा। मैंने ग्रेजुएशन करने के बाद एक दिन भी अप्लाई नहीं किया एम्प्लॉयमेंट के लिए, अपने लोगों का रूढ़ी मिट्टी डोली जी। और लोगों को ट्रेनिंग देता हूं कि आप भी सरकार की तरफ मत देखते रहिए कि सरकार ही सब कुछ करेगी। हुनर सीखिए, आगे बढ़िए, खुद भी अपना काम करना जरूरी है। बिकॉज वही जो चीज आपने बोली, हुनर सीखना जरूरी है, हुनर सीखिए और फिर आगे बढ़िए। आज का विजन भी हमारी सरकार का यही चल रहा है। आपसे मैं जरूर जानना चाहूंगी सुनील जी, कि जब इस तरह से जो छोटे एंटरप्रेन्योर्स हैं या जो छोटे मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो भी एक्सेल करना चाहते हैं एक इंडस्ट्री में, सेम इंडस्ट्री में अगर एक बिग एंटरप्रेन्योर भी है, तो कैसे उनका एक सामंजस्य बिठाया जा सकता है? या इसके लिए संसद में कोई समाधान निकाला जाता है, या सांसद का उसमें क्या रोल रहता है, अहम भूमिका रहती है? मेरे को लगता है कि इसका समाधान ऑलरेडी मोदी सरकार ने निकाल दिया है जी। आज की डेट में जो हमारा एमएसएमई सेक्टर है, जिसे हमें स्मॉल, जो हमारे माइक्रो, सूक्ष्म, मध्यम और जो हमारा उद्योग है एमएसएमई, वो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है जी। और उसको इतनी सुविधाएं हैं, अगर मान लीजिए एक प्रोडक्ट एमएसएमई ने बनाया जी, और उसमें वो सारी क्वालिटी है, वो हमारे सारे स्टैंडर्ड्स को पूरा करता है जी। और वही प्रोडक्ट यदि मान लीजिए बहुत बड़ा इंडस्ट्रीज बनाता है जी। तो हमारे देश में, मैं आपको बता दूं कि हमारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये मैंडेट है कि 20% कम से कम माल उनको एमएसएमई से जरूर खरीदना पड़ेगा, और यदि उनकी क्वालिटी सेम होती है तो वो 100% एमएसएमई से खरीदता है। क्योंकि जो हमारे देश में पब्लिक सेक्टर की हम अगर बात करें और प्राइवेट सेक्टर की बात करें, दोनों सेक्टर्स में आप जो सर्टिफाइड, जो हमारे देश के ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड बने हुए हैं और बाकी बहुत तरह के पैरामीटर्स, मानक संस्थाएं और बहुत सारे जो हमारे स्टैंडर्ड बने हुए हैं, उन सब स्टैंडर्ड पे यदि आपका प्रोडक्ट पूरा खरा उतरता है, तो मैं ये मानता हूं कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बड़े उद्योगपति का माल नहीं लेगा, आप ही का माल लेगा, क्योंकि उसको 20% तो आपसे लेना ही है, वो बड़े उद्योगों से ले ही नहीं सकता, उनके लिए मैंडेट है, उनके लिए मैंडेट है। और उसमें भी उसका 20% वो उन वीकर सेक्शन से लेता है, जो बहुत छोटे सूक्ष्म लगा के चल रहे हैं और एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जी। तो आज हमारे देश में जो छोटा इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसको आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे स्कीमें आई हैं जी। आपसे जरूर जानना चाहेंगे, जैसा अभी आपने बोला कि बहुत सारे कानून जो हैं उन्हें खत्म किया गया है, और बहुत से ऐसे कानून हैं जो खत्म होने की कागार पर हैं, इसमें सांसदों की एक बहुत अहम भूमिका रहती है। मैं चाहूंगी कि आप जरूर इस पर एक बार जरूर रोशनी डालें कि जो हमारे जो सांसद हैं, जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहते हैं, उनकी जो एक्टिविटीज रहती हैं, उस एक्टिविटी का कैसे हमारे देश पे असर पड़ता है, और वो कौन कौन सी खास एक्टिविटी हैं जिसके बारे में हमें जानना जरूरी है? एक लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड होता है जो कि हर सांसद को मिलता है, या तो वो उसको अपने मेडिकल के क्षेत्र में लगाएगा, या शिक्षा के क्षेत्र में लगाएगा, या इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में लगाएगा, या सोशल वेलफेयर के प्रोजेक्ट में लगाएगा। उस यहाँ एक विशेष बात यह होती है कि जो लोकसभा का सांसद होता है उसको ये सारा अपने एरिया में लगाना होता है, लेकिन जो राज्यसभा का सांसद होता है वो उस फंड को पूरे स्टेट में लगा सकता है, और राज्यसभा में भी जो नॉमिनेटेड सांसद होता है वो उसको पूरे देश में लगा सकता है जी। और साथ में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविजन किया गया है कि जो भी पंचायत या म्युनिसिपैलिटी होंगी जो ग्राउंड लेवल पे काम करती हैं, उसमें भी रिप्रेजेंटेशन सांसद का होता है।
और जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम होती है जब वो इम्प्लीमेंटेशन हो रही होती है तो सांसद ऑटोमेटिकली उसमें स्क्रूटनाइजर होता है अपने क्षेत्र में देखने के लिए कि वो ठीक से इम्प्लीमेंट हो रही है कि नहीं हो रही। जी, तो यहाँ पर जो आपने दो बड़ी खास बात कही है, एक इम्प्लीमेंटेशन की, दूसरा डेवलपमेंट के लिए फंड दिया जाता है ताकि आप अपने एक क्षेत्र में उसे लगाएं। आपके लिए कुछ हमारे पास खास है, आपको दिखाना चाहेंगे, उसके बाद इसी सब्जेक्ट पे हम वापस लौटेंगे। प्लीज। आई बिलोंग फ्रॉम करनाल। अगर करनाल में मैं ये जो प्राइमरी स्कूल्स होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, वहाँ पे चीज़ें आती हैं, एग्जीक्यूशन इज डैम पुअर। एक बार बिल्डिंग खड़ी कर दी, टीचर्स आते हैं बिकॉज दे नो दे हैव टू, उनको पेमेंट मिलनी है, बट वही जो मेन प्रॉब्लम है एग्जीक्यूशन की, इसलिए थोड़ा सा फंड एग्जीक्यूशन के लिए मस्ट है, अदर देन कि आप और फंड्स लाते जाओ। इनका कहने का मतलब है कि और फंड्स लाते रहें, उससे बेहतर ये है कि जो फंड है उसे अच्छे से एग्जीक्यूट किया जाए। तो आप कैसे इंश्योर करते हैं कि जो फंड आपके पास है आप उसे अपने इलाके में अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाए? मैंने इस सरकार के और पहली सरकार का डिफरेंस स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि पहली सरकार कहती थी कि रुपए में 15 पैसे जाते हैं, स्कीम में जाते, स्कीम में तब भी थी अब भी है। अब स्कीमों का विजन जो है देश के वास्तविक ढांचे को प्रमोट करना है, हमारी इंडस्ट्री को सिक्योर करके आगे बढ़ा करके बच्चों को रोजगार के साथ जोड़ना है। जी। फर्क सिर्फ ये है कि जो लोग उन सरकारों में एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयर थे या जो जुड़े हुए थे जी। या सर्विस में थे वो आज भी हैं। बहुत सारे लोगों का विजन ठीक हो गया, व्यक्ति को देख करके व्यक्ति बदल जाता है, लेकिन बहुत सारे लोगों की हैबिट जो है ना वो बहुत ज़्यादा देर तक मेलाफाइड होने की वजह से नहीं बदल पाती। लेकिन आज देश की पूरा हमारा एक नेशनलाइज सिस्टम ऐसा बनता जा रहा है कि ये बात तो आज तक दो वर्ष में आपको नहीं मिली कि कोई बड़ा स्कैंडल सामने आ गया हो, नहीं तो हर रोज़ नित नए स्कैंडल आते थे। लेकिन जो ज़रूरत है, जैसे हमारे एक्सपर्ट साहब कह रहे थे कि हमारी इंडस्ट्री का फ्यूचर बड़ा ब्राइट है, बड़ा ब्राइट इसलिए है कि हमारे पास विश्व का सबसे बड़ा बाजार है। बिल्कुल, सारे लोग, सारा विश्व इसमें घुसना चाहता है, लेकिन अगर हमारी कंसेंट के बिना इसमें घुस गया तो हमारी इंडस्ट्री डिस्टर्ब हो सकती है। आज चूंकि मैं इंडस्ट्री चला रहा हूँ, आज हिंदुस्तान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर उद्योग है स्टील, जिसके ऊपर पूरा पूरा देश खड़ा है, पूरा विश्व खड़ा है। हमारे देश में पर कैपिटा कंजम्पशन है 300 केजी, चाइना की पर कैपिटा कंजम्पशन है 1100 केजी। हमें जब तक इसको इंक्रीज नहीं करेंगे, आज इंडस्ट्री से बने हुए सामान की बाजार के बाजार भरे पड़े, बाइंग पावर हमारी है नहीं। हमने बाइंग पावर जब तक हम बच्चों को रोजगार ना दे दें, सीधा एक मूल मंत्र है। बिल्कुल, तो हम पूरी ये उम्मीद करते हैं कि आपका ये जो मूल मंत्र है ये हमारे कार्यक्रम के माध्यम से जनता तक भी पहुंचे, सरकार तक भी पहुंचे और सब लोग मिलकर इसका एक निचोड़ निकाल सकें। फिलहाल हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद जवाब देंगे उन सवालों के जो आपने हम तक पहुंचाए हैं। स्टे ट्यून्ड।